हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम देखने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम और उसमें जो दो कैटेगरी है, टीयर वन एंड टीयर टू, तो उसका हम डिफरेंस भी देखने वाले हैं। सो नेशनल पेंशन स्कीम एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो कि एक वॉलेंट्री टाइप की इन्वेस्टमेंट मेथड है और जिसमें आप इनकम टैक्स एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो जो कि कैटेगरी में फॉल करता है ATCCD की। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन NPS टीयर वन एंड टीयर टू। द फर्स्ट डिफरेंस दैट इज एलिजिबिलिटी। इन NPS टीयर वन कैटेगरी हु इज एलिजिबल और हु आर द एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है? एनी इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 एंड 65 ईयर्स ऑफ एज दे कैन इन्वेस्ट इन टू टीयर वन कैटेगरीज। सो 18 से 65 बीच में, 65 साल के बीच में जो भी पर्सन है इंडियन सिटीजन, वो टीयर वन कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर NPS टीयर टू कैटेगरी, मेंबर्स ऑफ टीयर वन ओनली कैन इन्वेस्ट इन NPS टीयर टू कैटेगरी। ठीक है, सेकेंड वन दैट इज लॉक इन पीरियड। सो इन NPS टीयर वन कैटेगरी टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स आपके पैसे लॉक रहेंगे। ठीक है, जबकि इन NPS टीयर टू कैटेगरी दैट इज लॉक इन पीरियड इज नील, यानी आप जब जी चाहो तब आप पैसे उठा सकते हो। थर्ड वन, मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अ ईयर, एक साल में आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कितने टाइम। सो इन टीयर वन कैटेगरी दैट इज कंपल्सरी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट यू नीड टू डू, वाइल इन सेकेंड केस कैटेगरी नील यू कैन चूज नॉट टू मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अ ईयर। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते कॉन्ट्रीब्यूशन तो भी टीयर टू कैटेगरी में कोई भी कंपलसरी नहीं है। फोर्थ दैट इज मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर द अकाउंट ओपनिंग, कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए टीयर वन कैटेगरी में अकाउंट ओपन करने के लिए, दैट इज 500 इंडियन नेशनल रुपीज। ओके, एंड टीयर टू कैटेगरी में चाहिए 1000 इंडियन नेशनल रुपीज। ओके, देन फिफ्थ डिफरेंस दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस, दैट इज 1 टाइम करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है, अगर आप कोई साल में नहीं भी करते दैट इज ओके, दैट इज अलाउबल। नेक्स्ट वन दैट इज मिनिमम अमाउंट फॉर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी नेक्स्ट टाइम आपको मिनिमम कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। सो इन टीयर वन कैटेगरी दैट इज 500 रुपीज एंड इन टीयर टू कैटेगरी दैट इज ओनली 250 रुपीज यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट दैट इज फंड मैनेजमेंट चार्जेस, दोनों के लिए फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो सिमिलर ही रहेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज टैक्स बेनिफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको टीयर वन कैटेगरी में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल 50,000 टैक्स बेनिफिटेड अंडर ATCCD। ओके, वाइल इन NPS टीयर टू कैटेगरी दैट इज नो टैक्स बेनिफिट एट ऑल। नाइन्थ वन दैट इज टैक्सेशन ऑन विड्रॉल, जब आप विड्रॉल ले रहे हो NPS का इन्वेस्टेड अमाउंट तो जो फर्स्ट कैटेगरी है एट मैच्योरिटी द एंटायर कॉर्पलस इज टैक्स एक्सटेंप्ट, यानी टैक्स फ्री रहेगा आपको टीयर वन कैटेगरी में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो। एंड इन टीयर टू कैटेगरी द एंटायर कॉर्पस कैन बी विड्रॉन विच इज एडेड टू इनकम एंड टैक्सड एज पर द टैक्स स्लैब वन फॉल्स इन, जितना भी आपका टैक्स स्लैब में फॉल हो गया आप उतना आपको इनकम टैक्स उसके ऊपर भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो ये जो NPS का फंड है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है आपका, दैट इज इन इक्विटी यानी इन शेयर मार्केट, कॉरपोरेट डेब्ट स्कीम में होता है, PSUs में, देन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, देन आफ्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उसमें से इन्वेस्टमेंट होता है। एंड ऑल्टरनेटिवली काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट जो फंड्स है लाइक CMBS है या फिर REITs है, AIFs है, तो यहाँ पे भी इसमें से इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकॉन इफ यू वांट सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजिकल वीडियोस। टेक केयर, स्टे सेफ।